कि आपको आपका आपके मुल्क का जिस मुल्क की खिदमत की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे को बेहतर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे के करप्ट आदमी को आप उनके अफसरान के सामने बहुत बाइज्जत तरीके से ले जाके एक्सपोज करें कि सर इसका कुछ कीजिए, उस इदारे ने आपको आपके कपड़े उतरवा के गन पॉइंट पे आपके जो अराकीन है कि वरना इनको गोली मार दी जाएगी, आपकी वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो जब बनती है आपकी तो वो एक फखर तो है कि अपने किसी मकसद के लिए नहीं, लेकिन एक ट्रॉमा भी है कि आपके सारे टीम मेंबरान के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, मार पड़ती है, उनको तशद्दुद किया जाता है। टीम सरेआम के इकरार हसन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर पर छापा मारा। IB जो कि एक वफाकी अदारा है, वहाँ पे छापा मारा इकरार हसन और उसकी टीम ने। छापे के दौरान इकरार हसन पर कातलाना हमला हो गया और हमले के दौरान इकरार हसन शदीद जख्मी हो गए। कि आपको आपका आपके मुल्क का जिस मुल्क की खिदमत की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे को बेहतर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे के करप्ट आदमी को आप उनके अफसरान के सामने बहुत बाइज्जत तरीके से ले जाके एक्सपोज कर रहे हैं कि सर इसका कुछ कीजिए, उस इदारे ने आपको आपके कपड़े उतरवा के गन पॉइंट पे आपके जो अराकीन है कि वरना इनको गोली मार दी जाएगी, आपकी वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो जब बनती है आपकी तो वो एक फखर तो है कि अपने किसी मकसद के लिए नहीं, लेकिन एक ट्रॉमा भी है कि आपके सारे टीम मेंबरान के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, मार पड़ती है, उनको तशद्दुद किया जाता है, तो अभी वो ट्रॉमा भी है, फिजिकल इंजरीज भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हौसले जवान है। मैं बता रहा था अभी सारे भाई से बात हो रही थी कि इस सारे प्रोसेस में जब मार पड़ रही थी, जब बरहदा किया जा रहा था और जब जो नाजुक आजाए उन पे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे थे, उस वक्त भी टीम सरेआम के अराकीन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये कारवां रुकेगा नहीं, सच का सफर जारी रहेगा। ये मारे, ये दंगा करके वीडियोस बनाना तो एक और ऐड हो गया ना अब तजर्बा। सो तैयार है इंशाल्लाह, और ये एक एक, एक नया जरूर एक नया जज्बा आज के इस वाक़े ने अदा किया। आसानियाँ करें इंशाल्लाह, सब दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, सबके लिए बहुत 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 प्यार और सबका बहुत शुक्रिया। भाई इकरार भाई, ये बता दें मुझे, 5 लाख लोगों ने पूछ लिया है कि इकरार भाई कैसे हैं, तो रात करीबन 2:30 बज रहे हैं, बात किसी सुधार जब आप घर जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी, अब बेहतर हूँ, बस सर पे कुछ टांके लगे, जख्म तो बहुत सारे हैं, जितने जख्म आपके दिखे मगर शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, जो कि शुरू में रियलाइज नहीं हो रहा था, जब एक्सरसाइज किए तो अंदाजा हुआ और ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेन बढ़ना शुरू हो गई है, तो कंधा अपनी जगह से हिल गया है, सर पे टांके लगे हैं, मुझे कहा गया है कि सीटी स्कैन करवाएं, कहीं ब्लड क्लॉट ऐसा ना हो कि जो खुदा ना खास्ता, अभी करवा रहे हैं, अभी जाते हुए कहीं ना कहीं से प्राइवेट करवा लेंगे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की दुआओं के सदके मैं बेहतर हूँ। बस वो एक ट्रॉमा भी है जिससे हम गुजर रहे हैं, वो जहनी तौर पर भी।